today's weather? Very nice. Very nice. Very nice weather today. Very windy. Windy and cool windy. Aisha, what are you saying about the weather? Very nice. And what are you doing? Mariam, what are you doing on the bus stop? I'm writing, okay? Writing. See? Oh, what? Oh my gosh. And one more is funny. Oh, that's okay. Weather is so windy, so cool. Such amazing weather today. See? One more. Yeah. One more. Oh. Okay. My book. Very amazing weather. Our bus is coming. हाँ जी, आज हमने सोचा कि ग्रैब या कार के से जाने के बजाय आज सफ़र किया जाए बस से, और इसकी वजह थी आज का खूबसूरत मौसम. मौसम को देखते हुए बच्चों ने और हमने फैसला किया कि थोड़ा इंजॉय करते हुए सफ़र करें. और जाना था आज हमने क्वासा सेंट्रल, और वहाँ से जाना था कोटा दामन सारा. तो सॉरी, सूर्यान के स्टेशन पे उतरना था, और जा रहे हैं हम क्वासा सेंट्रल बाय बस पहले, और फिर आगे से ट्रेन में जाएंगे. तो बस हमारी आ गई है. ये हम कार्ड अपना हो गया स्कैन कर रहे हैं, क्योंकि अब वो डायरेक्ट आप रिंगिट नहीं दे सकते. आप कार्ड पहले लें और फिर उसको टॉप अप करवा के और उसके ज़रिए सफ़र कर सकते हैं. तो वो हो रहा है. ये बस है, बड़ी आराम के बसें हैं, खूबसूरत हैं, साफ़ सुथरी हैं, और बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं. कार में तो एक जगह बैठ जाते हैं, और बस में ये है कि बाकी लोग भी होते हैं बहुत, तो बच्चे बहुत खुश हैं. और मरियम हमारी बहुत चुलबुली हैं, सीट पर खड़ी हो गई हैं. आयशा और उसका भाई छोटा, मेरा छोटा बेटा, वो सामने बैठे हुए हैं, और मैं इस तरफ हूँ. ये मेरी बेटी मरियम और मेरे हस्बैंड अभी आके बैठेंगे इधर ही. हाँ जी, आ गए हैं ये. तो सफ़र अच्छा जा रहा है. ये हेल्प यूनिवर्सिटी है जी, इसका एक कैंपस है इधर हमारे एरिया में, सेक्शन U5. तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स दूसरी जगहों से आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए. ये क्वासा सेंट्रल आ गया है. आपने ट्रेन देखी होगी ऊपर. अब हमारी बस जो है वो स्टेशन पर जाकर रुकेगी, तो हम सब स्टेशन के अंदर चल जाएंगे. जी, वेदर को देखकर सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था. खिलाफ तवक्को बहुत अच्छी हवा चल रही थी मलेशिया में, तो ये दिन हमारे लिए बहुत अच्छा था. ये हम बस से उतर रहे हैं, और ये हमारा ऊपर देखें आप, बस ट्रेन जा रही है. और ये आयशा मनाल, और मेरा बेटा पत्थरों को देख के उस तरफ चला गया है और पत्थर उठा रहा है जी. हाँ जी, बच्चे जो है ऐसी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं. तो बस ये आपको बसेस दिखा रही हूँ. मौसम आप भी देख रहे हैं कितना अच्छा है. बादल अभी दूर दूर हैं, और हवा बहुत अच्छी चल रही है. सबसे बड़ी बात जो है, एक खातून से आयशा की बातचीत हो रही थी मले में. जब भी यहाँ मेरे बच्चे मले लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ के लोकल लोगों से, तो बहुत खुश होते हैं लोग सब. तो इनका ये बैग का एक स्ट्रैप खुल गया था, तो मैंने इनसे पूछा कि आपको मदद की ज़रूरत है, तो इनकी थोड़ी सी मदद करके हम लोग एक्सीलेटर की तरफ जा रहे हैं अब. जी चलो, तो लोग कहते हैं हेल्प को मले में, तो बस एक्सीलेटर से ऊपर जाएंगे, लिफ्ट से नहीं जा रहे. आज हमने सारी चीज़ों को चेंज किया है. ग्रैब से सफ़र नहीं किया, बस से सफ़र किया है, और लिफ्ट से ऊपर नहीं गए, हम एक्सीलेटर से गए. ये सब कुछ आज हमने मौसम को देखते हुए अपने सफ़र को इस तरह किया, चेंज किया है. तो ये सब स्टेशन है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं. काफ़ी अच्छा स्टेशन है, हमारे एरिया के बहुत करीब है. यहाँ से ट्रेन हमें क्वालालंपुर तक ले जाती है, रास्ते में जहाँ आपने उतरना है
अपने डेस्टिनेशन का अपना टिकट आप बनाएं और पहुंच जाएं जल्दी। बाय बस अगर हम क्वालालंपुर जाएं या बाय ट्रैप जाएं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम में फंसना पड़ता है और ट्रैफिक लाइट्स में फंसना पड़ता है। तो ये है कि ये MRT से अगर जाएं तो सफ़र का टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो ये सारा इनकी वो डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये लोग अपने टिकट्स बना रहे हैं। हमारे जो कार्ड हैं उनमें टॉप अप करवाना था पहले, तो वो मेरे हस्बैंड करवा रहे हैं। ये 7-Eleven है, हर MRT स्टेशन पे आपको 7-Eleven मिल जाएगी जहाँ से आप चाय पिए, कॉफ़ी पिए, स्नैक्स लें, जो कुछ आपको ज़रूरत हो 7-Eleven से मिल जाता है बासानी। तो ये कार्ड टॉप अप हो रहा है जी अंदर, इसके बाद टिकट बनाएंगे। बच्चे मेरे साथ साथ आ गए हैं यहाँ तक तो ये उमर है, स्टॉलर इन्होंने संभाली हुई है। ये साद हैं, मरियम और आयशा जी। ये मेरी चुलबुली सी बेटी बहुत ज़्यादा नॉटी है, ये टिकट बना रहे हैं जी। जिन नोट्स पे क्रॉस है वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो अब ये कार्ड कह रही हूँ, टिकट के टोकन हो रहे हैं। हाँ जी, ये बाथरूम आया, मरियम को जाना था मेरी छोटी बेटी को, तो मैंने बाथरूम्स की भी एक छोटा सा क्लिप बनाया है। मतलब मकसद सिर्फ ये है कि आपको सफाई का लेवल दिखाना था। ये क्लीनिंग स्टाफ हैं, बहुत नाइस और वेल ड्रेस्ड, यूनिफॉर्म बहुत स्त्रीशुदा यूनिफॉर्म में होती हैं, साफ़ सुथरे और चेहरे पे हल्का सा मेकअप और बड़ी सी स्माइल रखती हैं। तो ये सब दिखाना था। ये बाथरूम का मंजर है बहुत ज़्यादा, और ये फर्श को सुखाने के लिए चल रहा है। ये अब हम ऊपर आ गए हैं क्वासा सेंट्रल, यहाँ से ट्रेन में हमने बैठना है। ये क्वासा सेंट्रल का स्टेशन है, अभी ट्रेन आई नहीं है। ये दूर पहाड़ों के आगे अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स हैं वो दिखा रही हूँ आपको जी। ये सब स्टेशन है। हाँ जी, तो ये आ गए हैं हम ऊपर स्टेशन पर। ये वही जगह है, स्टेशन के उस तरफ का इलाका बहुत खुला है, जंगल है और कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू हुई हुई है, रोड बन रहा है। आई थिंक कुछ वो रेजिडेंशियल कुछ शायद शुरू हो। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से बाहर देखना, उस तरफ देखें अपार्टमेंट्स जंगल के बीचों बीच। बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिहायशी स्कीम्स बहुत ज़्यादा हैं, माउंटेन्स और ये तो इलाका भी बहुत खुला है, यहाँ तो बहुत कुछ हो सकता है। आप देख रहे हैं, ये आपको दिखाने के लिए जूम किया था। ये दूसरी तरफ की ट्रेन आ गई है, मेरा बेटा भी बड़ा एक्साइटमेंट का शिकार हो रहा था इसको देखकर कि मामा अदर साइड की ट्रेन आ गई है। तो हमारी ट्रेन भी अब बस आने ही वाली है। ट्रेन का मंज़र दिखाऊंगी अंदर। ये बच्चे इधर उधर हो रहे हैं अपनी उम्र के मुताबिक, जो कुछ इनकी समझ में आ रहा है कर रहे हैं। आप बादल देखिए, बहुत खूबसूरत सा मंज़र लग रहा है, हवा के साथ ठंडा ठंडा, धूप है चमकीली सी। हाँ जी, इस तरफ से ट्रेन आ गई है, मेरे हस्बैंड बच्चों का हाथ पकड़कर अंदर लेकर जा रहे हैं। ये ट्रेन का अंदर का मंज़र है। ट्रेन हमारी चल पड़ी है। ये मरियम देखें आप, मरियम के अंदर बहुत ज़्यादा चुलबुलापन बहुत है। ये साथ हैं, पकड़ के रखा हुआ है, वरना ये बहुत इधर से उधर होते हैं। तो सफ़र शुरू हो गया है क्वासा से, हमारा एक स्टेशन छोड़ के अगला स्टेशन हमारा है। तो ये बाहर देखें जंगल को, मलेशिया में इस तरह का जंगल शहर के बीच में भी आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा इसी तरह का जंगल। ये ट्रेन है,
लोग बड़े इत्मीनान से और सुकून से बैठते हैं, ऊंची आवाज़ में कोई बात नहीं करता। अक्सर लोग खामोश बैठते हैं और मोबाइल्स के साथ बहुत बिज़ी रहते हैं। ये बाहर का मंज़र है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोस जो हैं पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में बताया करें कि कौन सा वीडियो में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी या क्या चीज़ आपको नई लगी, तो कमेंट ज़रूर दिया करें, अच्छे कमेंट्स। ये अभी भी ये बिज़नेस के लिए इमारतें बनी हुई हैं, ऑफिसेज हैं। अक्सर ख़वातीन की अक्सरियत यहाँ पे अपने हेड को और हेयर्स को कवर करके रखती है। फुल स्लीव्स पहनी जाती हैं ज़्यादातर, और पैंट्स, जीन्स। और ये जो कुछ सीटें हैं ऐसी जो डिसेबल पर्सन्स, ओल्ड एज के लिए या प्रेग्नेंट वुमेन या नर्सिंग वुमेन्स के लिए मुख्तस होती हैं। ये बाहर का खूबसूरत मंज़र है। ये गोल्फ का वो है, क्लब है या क्या कहते हैं वो है, बहुत खूबसूरत है ये। इसके बीच में एक झील सी बनाई हुई है और बड़ा ही अच्छा लगता है। ये आ गया है सूर्यान और हमने यहीं उतरना था तो हम आ गए हैं और लिफ्ट के ज़रिए नीचे जाएंगे। बच्चे हमारे बड़े एक्साइटेड होते हैं लिफ्ट को प्रेस करने के लिए, और अब तो साथ भी बहुत ज़्यादा इसको लेकर वो होते हैं कि अब मेरा नंबर है, मैं प्रेस करूँगा। और इसी कोशिश में कभी कभी वो एमरजेंसी कॉल को प्रेस कर देते हैं। तो बस नीचे जा रहे हैं। ये मेरी बेटी कुछ बता रही हैं आपको साथ में। जी बाय स्टेशन शायद ये कह रही हैं आयशा। हाँ जी, नीचे आ गए हैं, अब यहाँ से हम बाहर जाएंगे और वीडियो बस यहीं तक की है। आपको दिखाना था बस का सफ़र और फिर ट्रेन का और फिर स्टेशंस आपको दिखाने थे। यहाँ का थोड़ा सा सिस्टम आपको दिखाया है। बस इससे आगे जहाँ हम गए उसके लिए फिर कभी कोई और वीडियो किसी वक्त डालूँगी, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो आप सबसे जो नए देखने वाले हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।